हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल, आई होप अच्छे होंगे। तो भाई सुबह वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, मैंने डेविल का एंड कर दिया था। बेचारे डेविल ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिसको अपने साथ लेकर के घूम रहा है वो हमारा प्यार अर्नोल्ड है, उसको एकदम से इतना बड़ा झटका मिलेगा। बेचारा इसी सदमे में मर गया होगा वो तो। वैसे इतना बड़ा वो प्लानर बन रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी प्लानिंग दिखा दूं। इस माइक का पता चल जाए ना, इस माइक की कमर तोड़ दूंगा मैं, क्योंकि यार ये माइक ना हमें धोखा दिया उसने। वो वहां पे नहीं था, नहीं तो उसको भी मैं बहुत प्यार से मारदार। माइकल का मेरे पास फोन आया, अभी सब लोग अपने घर में आराम से पहुंच चुके, कोई टेंशन नहीं है, दुश्मन नहीं है। गॉडफादर इसमें इतना दम नहीं है, मैंने पहले से गॉडफादर को देखा हुआ है। गॉडफादर कभी भी इतना खतरनाक नहीं लगा मेरे को, डेविल उससे ज्यादा खतरनाक था। गॉडफादर में दम नहीं है आने का, वो वैसे ही डर जाएगा, उसने देखा डेविल कांड हो गया, अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो भाइयों, माइकल ने खुशी में पार्टी दी अपने घर पे और बोला है कि जल्दी से ट्रेवर बबुआ फटाफट से आ जाओ, पार्टी दिन में ही मनाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को बहुत खुशी मिल रही है यार, मैं थक गया था ट्रक में रह रहकर, अब तो पार्टी करूंगा। और हमारे सारे दुश्मन मर चुके हैं। तो यार माइकल की बात बिल्कुल ठीक है, तो पहुंचता हूँ माइकल घर पे। मैं ही लेट हो गया हूँ, बाकी सब पार्टी में पहुंच गए होंगे, तो जा करके देखते हैं आज कैसी पार्टी दी है हमारे माइकल ने। तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको सेट कर दो। भाई करो आपने मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया, बाद में जाकर उसको चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जीटी की वीडियो डालता हूं और इसका नेक्स्ट पार्ट कल सुबह 11 बजे उसी पर आने वाला, तो उसको जाकर चेकआउट कर लो। भाई इस वीडियो का लाइक्स कम रखेंगे 14,000, उसका पूरा करा देना। ओके, पहुंचता हूं मैं जगह पे। भाई मैं माइकल के घर पे पहुंच चुका हूं पार्टी पर। भाई बहुत सारे गार्ड्स खड़े कर लिए, अब की बार माइकल ने देखो तो सही, वैसे सही करा यार इसने, गार्ड्स तो होने ही चाहिए, देखो तो सही, पहले तो एक भी गार्ड नहीं होता था उसकी पार्टी में। अब वो सीख गया, उसने सोच लिया कि भाई हमला कभी भी कोई ना कोई कर ही देता है, इसलिए गार्ड्स होने चाहिए। अब की बार कोई भी बंदा बाहर पार्टी नहीं कर रहा, सारे के सारे अंदर कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, नहीं तो पिछली बार धूप में ही खड़ा कर दिया था। भाई कितने सारे गेस्ट आके रखे हैं माइकल मेरे भाई, इतनी जल्दी तूने इतने सारे बंदों को बुला दिया, कम आने दो तो। अरे टेरी भैया क्या हाल चाल है, आज तो पार्टी में आए हमारे टेरी, पीछे निकी खड़ी है, मैरी खड़ी है, और इसको तो भाई हम भूल ही नहीं सकते। अरे मेरे प्यारे प्यारे फ्रैंकलिन, अरे भाई सब सुट्टे मारने में लग रहा है, अबे बदतमीज सुट्टे मत मार भाई, तेरे को कुछ हो सकता है, तेरे अंदर एसिड है, अगर कुछ रिएक्शन कर गया तो। यार ये ना सच में बड़ा जिद्दी है। और भाई आप लोगों ने, बहुत से भाइयों ने कमेंट करी थी कि ट्रेवर को भी एसिड पिला दो, आपके पास दो दो एसिड है, क्योंकि मैं दो लेकर के आया था, बट भाई मिस्टर बिल्ला ने मेरे को साफ मना कर दिया कि इसको ट्राई करने की कोशिश मत करना, इसके अंदर तो जहर चला गया था, उसको काटने के लिए हमने इसको एसिड दिया तो ये ठीक हो गया, बट भाई मेरे अंदर कोई जहर वगैरह नहीं है, अगर मैंने एसिड ले लिया तो क्या पता है मर भी सकता है, कुछ और भी उल्टा सीधा काम हो सकता है, इसलिए हम बिल्कुल भी ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, तो मेरे को बिल्कुल मना कर दिया हमारे बिल्ला जी ने। अरे मेरे प्यारे हस्की, वाह तू भी आया पार्टी में, वाह भाई वाह, मेरी तो अपने हस्की को भी पार्टी में लेकर के आई है, मेरी बेबी कहाँ है? अरे बेबी को तो लाई नहीं है, पूछता हूँ भाई बेबी को क्यों नहीं लाई। भाई मेरी के भी सच में कमाल है, बोल रही है बेबी घर पे टीवी देख रहा था इसलिए मैं उसको लेकर नहीं आई, मैंने सोचा उसको टीवी देख रहे थे, वाह भाई वाह, अपने डॉग को पार्टी में लेकर आ गई, बेबी को नहीं लाई, इसके अलग ही मजे। तो देखते हैं भाई पार्टी में कौन कौन आया। भाई बहुत सारे गेस्ट को बुलाया माइकल ने। अरे माइकल मुझे तो लगता है तू व्हाट्सएप पे ना सभी को सेंड टू ऑल कर देता है, आज घर पे पार्टी है मेरे भाई, आ जाओ, चाहे वो बंदा कोई भी हो भाई, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, अपने दुश्मन को भी पार्टी में बुला लेता है, माइकल है बड़ा दमदार बंदा। भाई ये लेस्टर ना कभी भी नहीं सुधर सकता, पार्टी ही मेरे को एक बात बोलता है कि ट्रेवर टाइम वेस्ट मत करो, पार्टी तो चली रही है, बाद में आके ज्वाइन कर लेना, अभी तुम्हें मैं एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैंने तुमसे कल भी एक बंदे की इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी पुलिस स्टेशन से, फैसिलिटी से, याद होगा तुम्हें, उस बंदे का मुझे छोटा सा नाम पता चला है, उस बंदे का नाम है TC। तो तुम अभी एक काम करो, टाइप जा करके TC नाम के बंदे को सर्च करो और देखो किसी फाइल में उसके बारे में लिखा हुआ है क्या, क्योंकि नेट पे उसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं मिला, मैंने हर एक चीज चेक कर ली, कहीं पर भी नहीं है, अभी फाइलों में कुछ ना कुछ शायद से हो। तो ठीक है मेरे प्यारे हस्की, ठीक है लेस्टर भाई जा रहा हूँ, यार ये तो मेरे को पार्टी भी नहीं करने देता अभी यार, वैसे लेस्टर ने बोला है तो कुछ जरूरी काम होगा, TC नाम का बंदा, इसके पीछे 2-3 दिन से पड़ा हुआ है, ये देखते हैं भाई कौन है बंदा। आइए मैं FI बिल्डिंग में पहुंच चुका हूँ और मैं आज अपने डॉग को अपने साथ इसलिए नहीं लाया क्योंकि यार वो काफी थक चुका है, आपको पता है मैंने उसको मैरी के पास छोड़ दिया था ट्रक में, वो भी ट्रक में ही था तो बेचारा सोया नहीं, उसको अच्छे से नींद नहीं मिली, तो आज उसको सोने दो, हम उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे, उसकी नींद पूरी होने दो, बेचारा पूरी रात जागा होगा। तो अभी मैं उसको घर लेकर के चला गया था सुबह सुबह और उसको घर पे छोड़ा, आराम से फैल के सो गया भाई वो तो। अभी देखते हैं भाई कौन सी फाइल में हमें TC नाम के बंदे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हेलो मेरे प्यारे भाई चाचा, कोई है क्या यार, कभी यहाँ पे कोई बंदा मेरे को नहीं मिलता FIB ऑफिस में, मैं प्रेजेंट को कंप्लेन करूंगा कि कैसी सर्विस है FIB वालों की, कोई आता ही नहीं है ऑफिस में, पता नहीं कहां पे रहते हैं बंदे, अरे सारे के सारे अंडरग्राउंड काम करते हैं। भाई मैंने TC के बारे में पढ़ा एक फाइल में, बहुत ही खतरनाक बंदा है भाई, एक छोटी सी कंप्लेन हुई है रजिस्टर TC के नाम पे, वो भी बहुत पुरानी है, कम से कम 10 साल पुरानी वो खबर है, उसमें ये लिखा हुआ है कि TC ने पुलिस स्टेशन में घुस के 50 पुलिस वालों को जला दिया था। और पता है भाई कितनी सी बात पे, हमारा प्यारा TC जा रहा होगा तो एक पुलिस वाले ने उसको भाई सिग्नल तोड़ने पे रोक लिया, बस इतनी सी बात पे भाई हमारे TC जी को गुस्सा आ गया और TC जी ने 50 पुलिस वालों को पेल दिया पुलिस स्टेशन में घुस करके।
ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। तो भाई भी फटाफट से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं लेस्टर को कि लेस्टर मेरे भाई टीसी की मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है। टीसी तो यार बड़ा ही खतरनाक बंदा, उससे तो बच के रहना पड़ेगा। उसने तो इतनी सी बात है 50 बंदों को मारते हो भी सभी के सामने पुलिस स्टेशन में। भाई लेस्टर को मैंने सारी बातें बता दी। लेस्टर तो पार्टी छोड़ के फटाफट से वहां से भाग गया, बोल रहा है कि थोड़ी देर मुझे टाइम दो, मैं चेक करके बताता हूँ उस केस के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर मेरे को कुछ और भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तक तुम पार्टी मत जाना मैं तुम्हें 5 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कमाल है भाई, इतना सीरियस ले रहा है इस केस को, तो कुछ बड़ा ही केस हो सकता है। चलो यार थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर में मेरे को इन्फॉर्मेशन चेक करके बताएगा इस केस के बारे में, जो कि 50 बंदों को टीसी ने मारा था। क्या पता इसको कुछ क्लू मिल जाए इस केस के बारे में। भाई लेस्टर की क्या फास्ट सर्विस है, पूरे 5 मिनट में उसने मेरे को बता दिया कि रास्ते में ही भाई चेक कर लिया उसने, घर भी नहीं पहुंचा इतनी जल्दी चेक कर लिया तो उसने भाई मेरे को चेक करके बताया। वो जो 50 बंदे मरे थे ना, उनमें से एक बंदा जिंदा है भाई, बट ऑफिशियली उसको मार दिया गया है। बट लेस्टर ने अंदर से खबर निकाली है कि वो बंदा जिंदा है और अभी छुप के रहता है, किसी को पता नहीं है उसके बारे में। लेस्टर ने उसे घर के ढूंढ के निकाल लिया है। ठीक है यार, हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, तो मैं पहुंचता हूँ फटाफट से उस बंदे घर पे। और लेस्टर ने मेरे को बोला है कि उसे सारी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आओ, कि उसने टीसी को देखा था या नहीं देखा था, कौन है टीसी, कुछ भी अगर वो थोड़ी सी बात हमें बता दे टीसी के बारे में तो टीसी को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो टीसी की इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, फाइलों में भाई यही थी और ना ऑनलाइन उसके बारे में कुछ भी है। तो पहुंचता हूँ जल्दी से उस बंदे घर पे और उससे पता करके आता हूँ। भाई ये है वो पुलिस वाला जो उस दिन बच गया था। भाई साहब इसने बड़ी खतरनाक बात मेरे को बताई है, मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि भाई जो भी आपको ये हो प्लीज उस बंदे का नाम मत लो और उसको भूल जाओ, क्योंकि वो भाई मौत का दूसरा नाम है, उससे पंगा मत लेना, उसको जहाँ पे है वो रहने दो, क्योंकि मैं आज भी उस दिन को नहीं भूल पाया। मैं तो बच गया क्योंकि गोली मेरे आर पार निकल गई और मैं आराम से पड़ा रहा। मैं अगर उठता तो मेरे दिमाग में 2 गोली डाल के वो चला जाता। मैंने तो मरने का ड्रामा करा, इसलिए मैं उस दिन बच गया था। भाई मेरे हिसाब से तो बहुत ही लंबी लंबी फेंक रहा है। कोई बात नहीं है, हमने भी लपेट लिए, कोई टेंशन नहीं है। भाई मैं ना ड्राइवर से ज्यादा दमदार किसी को नहीं मानता, कोई कितनी बड़ी तोप क्यों ना। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे को इसने दी है मैं बता देता हूँ हमारे प्यार लेस्टर को। लेस्टर मेरे भाई ये पुलिस वाला तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है टीसी की, बोल रहा है बड़ा ही खतरनाक है, मौत का दूसरा नाम है। बाकी तू पता लगा ले भाई मौत का दूसरा नाम। चलो मैं बता देता हूँ सारी की सारी बातें। भाई मेरे पास अभी माइकल का फोन आया, माइकल है तो फिलहाल पार्टी में ही, बट उसने मेरे को फोन करके बताया कि उसने कल एक वेबसाइट से भाई डायमंड नेकलेस ऑर्डर करा था हमारी प्यारी एमेंडा के लिए। तो अभी मेरे को वो बोल रहा है कि यार मैं अभी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, मैंने पेमेंट ऑनलाइन ही कर दी थी और बहुत ही महंगा डायमंड था भाई, वो $1 मिलियन का। मैंने सोचा एमेंडा को यार काफी दिनों के गिफ्ट दिए तो उसके लिए मैंने नेकलेस खरीदा, और आज मैं वेबसाइट ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो भाई वेबसाइट ही नहीं है, वेबसाइट ही डिलीट कर दी, तो इसका मतलब फेक वेबसाइट थी। अरे मेरे प्यारे माइकल तू बेवकूफ है, कम से कम चेक तो कर लेगा वेबसाइट असली भी है नकली भी है। मतलब भाई झूठ मूठ किसी ने वेबसाइट बनाई कि माइकल जैसा बकरा कोई फंसे, उन्होंने भाई फोटोज दिखाए होंगे, इसने ऑर्डर किया, पैसे कटे और वेबसाइट डिलीट करके बंदे निकल गए। वाह मेरे भाई माइकल। चलो यार अभी एक काम करता हूँ, मैं किससे हेल्प मांगू यार, सारे बंदे बिजी चल रहे हैं, अभी किसको फोन करूँ, अभी कौन है हमारा बंदा, लेस्टर से ही पूछना पड़ेगा। लेस्टर बोलेगा मैं वैसे ही बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूँ, बट यार लेस्टर से ही बोलना पड़ेगा कि लेस्टर मेरे भाई बाकी बंदे पार्टी में प्लीज यार बता दे कि कौन है वेबसाइट वाले बंदे जिन्होंने वेबसाइट बना के माइकल को बेवकूफ बनाया, उनको सीधा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चालू हो रहे हैं बंदे। भाई लेस्टर ने मेरे को बंदों की खबर दे दी है, बंदे जो है ना डेजर्ट के एरिया की तरफ रहते हैं, तो चलता हूँ भाई उनसे पता करके आता हूँ। तो मेरे भाइयों क्यों आप लोगों ने वेबसाइट बनाई और फिर डिलीट कर दी, क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो गई है वेबसाइट में। बट यार प्रॉब्लम होने से कोई वेबसाइट डिलीट तो करता नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भाइयों मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ यार, ये तो वही जगह है जहाँ पे हमारा प्यारा भाई गुल्लू बैठता है, ये देखो ये रहा इसका घर, और यहाँ पर इसकी छोटी सी लैब है जिसमें बैठ के एक्सपेरिमेंट करता है। तो यहाँ का कौन बंदा है जो ऐसा उल्टा सीधा काम करेगा, चलो भाई जा करके किसी से पता करता हूँ। अरे बाला वाले खड़े हैं भाई, मेरे को लगा ही था भाई ये बाला वाले हमेशा उल्टे सीधे काम करते हैं। अब इनके भाई वैसे काम तो चल नहीं रहे, ड्रग बैन है शहर में, वेपन का काम ये कर नहीं रहे, तो इन्होंने सोचा अब कोई नेट वाला काम करते हैं, नेट पे लोगों को धोखा देते हैं। चाचा मुझे आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लोगों ने एक वेबसाइट बनाई थी, फिर उस पर एक नेकलेस बाय हुआ था, एक बंदे ने खरीदा था $1 मिलियन का, मुझे वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए या फिर नेकलेस चाहिए जो तुमने फोटो में डाला था, फटाफट से बता जल्दी से। भाई बंदे ने देखो अपने सारे बंदों को मुझे मारने के ऑर्डर दे दिए, अबे बेटे सीधा कर दूंगा, तो इसका मतलब ये सारे के सारे यहाँ पे इलीगल काम करते हैं। अबे तुम निकलो यार तुम जाओ। भाई चेले सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, जब बॉस को गोली पड़नी शुरू होती है तो चेले होते हैं सबसे पहले भाग के, अरे मेरे बॉस को गोली मारनी शुरू कर दी तूने, ओ भाई साहब मेरी गाड़ी में लग गई, अरे मेरी प्यारी गाड़ी, अरे मेरी प्यारी प्यारी गाड़ी, ए बदतमीज तेरे को मारने के चक्कर में मेरी गाड़ी में लग गई, अभी पता नहीं कहाँ पे जाके गिरी होगी, उसको बहुत दूर से लेकर के आना पड़ेगा। बेटे तुम्हें तो मैं डबल मारूंगा, तुम्हारे चक्कर में मेरी गाड़ी में गोली लग गई, तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला।
मेरे प्यारे भाई अभी आएगी मिनीगन, बहुत हो गया तुम्हें शॉटगन से मारना, तुम मिनीगन वाले बंदे हो, क्योंकि तुम भाई यहाँ वहाँ पे खड़े हो के यार एक तो कवर ले लेते हो, सच में बंदे दिखते नहीं कहाँ कहाँ से गोली चलाते। अले ले ले अले मेरे भाई टकले, अबे तेरे को शर्म नहीं आती, थोड़ी तो शर्म कर लिया कर यार, मतलब 1% भी शर्म नहीं हो। इसको देखो कहाँ पे कवर लेके बैठा है, अबे मेरे को तो दिख गया बेटे, तेरी टी शर्ट मेरे को दिख गई येल्लो येल्लो, दूर से दिख जाता है ना। अभी मैं तेरे पैर तोड़ूंगा, मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा बेटे, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे उल्टे सीधे काम करते हो। अबे ईमानदारी से कुछ काम कर लेता है बेटे, मतलब वेबसाइट से बेवकूफ बना रहे बंदों का। भाई मैंने बंदे का फोन निकाल लिया है, अभी सारे पैसे हम इसके फोन से आराम से निकलवा लेंगे, और इसके जो होंगे ना अकाउंट में वो भी निकाल लेंगे। भाई मुझे मेरी गाड़ी मिल चुकी है, ये तो पलट गई मेरी प्यारी गाड़ी, सीधी हो जा सीधी हो जा सीधी हो जा। अरे भाई अरे अरे सो सॉरी, देख मैंने जानबूझ के नहीं मारा, अरे एक बदतमीज आ गया था आगे, उसको मारने के चक्कर में तेरे को गोली पड़ गई। वैसे गाड़ी फिलहाल तो ठीक है, कंडीशन में कुछ नहीं हुआ, बट यार खर्चा तो आ ही गया, देखो शीशे फूट गए, डेंटिंग पड़ गई होगी, बहुत ही ज़्यादा स्क्रैचेस आ गई होगी गाड़ी में, देखो नीचे से भी खराब हो गई, थोड़ा खर्चा बढ़ गया। कोई बात नहीं यार, अभी फ़ोन कर देता हूँ लेस्टर के बंदों को कि मेरे प्यारे भाइयों आ जाओ डेजर्ट के हाईवे पे, यहाँ पे मेरी गाड़ी उल्टी पड़ी है, इसको सीधी करो ले जाओ। भाई मैंने घर से अपनी दूसरी कार ले ली है, मेरा डॉग सो रहा है आराम से, उसको सोने दो, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं करा, मैं तो सोच रहा था कि उसको भी लेके चलता हूँ, बट भाई देखा वो सो रहा है आराम से, सोने दो उसको बाद में ले लेंगे। भाई अभी मेरे पास एक बंदे का फोन आया यार, सच में कुछ ना कुछ तो प्लानिंग मेरे को लग रही है। बंदे का नाम है गॉड फादर, भाई गॉड फादर मेरे को फोन करके बोलता है कि ट्रेवर मेरे भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बड़ी इज्जत दे रहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बात करनी है, मेरे से जो भी उल्टे सीधे काम हुए मैंने आपको बड़ा परेशान करा, प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप आकर के मुझसे मिल लीजिए, बहुत ही ज़रूरी काम है। वाह भाई वाह, इतने प्यार से इतनी तमीज़ कहाँ से आ गई गॉड फादर में, तो यार इससे तो जा करके मिलना पड़ेगा, ये तो फ्री में मरने के लिए आ गया मेरे हाथों से। चलो यार इसका भी आज एंड कर देते हैं। भाई ये मैं जगह पर आ चुका हूँ, गॉड फादर चाचा अकेले खड़े हुए हैं, ना कोई कार है, इधर उधर चेक कर लेता हूँ, कभी भाई मेरी फील्डिंग बिछा के रखी हो, इसका प्यारा दोस्त बरा डेविल कभी मेरे को मारने के लिए यहाँ पे आयो। गॉड फादर बबुआ आज मैं आपका आखिरी दिन बनाने वाला हूँ, नीचे बैठ जाओ नीचे फटाफट से, हमसे मिलने आयो, ट्रेवर भाई आपसे मिलना चाहता हूँ। वाह भाई वाह, ने प्यार से आपने मुझे बोला, बड़ा मजा आया भाई गॉडफादर आपसे मिल करके, तो कोई आखिरी ख्वाहिश जल्दी से बताओ। भाई गॉडफादर से बात हो गई है, बहुत सारी बातें इसने मेरे को बताई है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे बोल रहा है कि ट्रेवर भाई अगर आपको मारना है तो मार दो, बट मैं इतना जान चुका हूँ कि आपसे खतरनाक बंदा पूरे लॉस सैंटोस में कोई नहीं है। वाह भाई वाह, तारीफ कर रहा है, पूरा मक्खन लगा रहा है, और फिर बोल रहा है कि मुझे प्लीज एक मौका दीजिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं सुधरना चाहता हूँ, जो भी काम करूंगा आपके लिए करूंगा, कभी भी गलत काम नहीं करूंगा, सुधरना चाहता हूँ, बस एक मौका दे दीजिए। तो यार एक मौका देगा इसको, वैसे बोल रहा है कि एक मौका दे के देखिए मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, कभी भी धोखा नहीं दूंगा, आप खतरनाक बंदे हो, एक मौका दीजिए। अरे क्या करे, तूने तो कंफ्यूज कर दिया मेरे प्यारे भाई, अभी मारूं ना मारूं, मौका दूं ना दूं, एक मौका देते हैं भाइयों, बाद में देखेंगे, अगर धोखा दिया तो मार देंगे। बंदे कॉन्टेक्ट इसके बहुत अच्छे, अगर गॉडफादर हमारे साथ आ गया ना तो बहुत सारे दुश्मन तो वैसे डर के भाग जाएंगे, क्योंकि ट्रेवर और गॉडफादर एक साथ, कितने मजेदार वाली बात होगी ना भाई, हमारी टीम में होगा गॉडफादर, फिर तो बंदे ऐसे ही भाग जाएगा करेंगे गॉडफादर को देख के। ठीक है गॉडफादर चाचा चल मेरे साथ। तो भाई हमारा प्यारा गॉडफादर गाड़ी में बैठ चुका है, अभी लेके चलता हूँ इसको माइकल के घर पे, वहाँ पे पार्टी में सब बंदे सभी से इसको मिलवा के लाता हूँ। गॉडफादर जी देखो ये है माइकल के घर, आपको पता ही है, पता नहीं कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा, इसने बहुत बार यहाँ पे हमला करवाया फिर भी यार इसको बताएंगे, ये है माइकल का घर, आइए बाहर उतरिए, मैं आपको सभी से मिलाता हूँ। आज यहाँ पे हमने पार्टी दे के रखी है, यहाँ पे कुछ गार्ड्स खड़े हुए हैं, बाकी बंदे सभी घर के अंदर है, लेस्टर यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि लेस्टर यार पहुंच चुका है टीसी के बारे में पता लगाने में लगा हुआ है। माइकल मेरे भाई कहाँ पर हो, देखो मैं क्या सरप्राइज लेकर के आया हूँ आपके पास, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये बंदा भी हमारे साथ आ सकता है। ओ भाई माइकल बाबा अभी भी सिगरेट पी रहे, माइकल भाई मर जाओगे, देखो कौन आया घर में मिलने के लिए, अरे टेरी भैया। भाई माइकल की तो सिगरेट गिर गई अपने प्यारे गॉडफादर को देख के, टेरी मेरे भाई कॉफी क्यों गिरा दी तूने, ये दोनों तो ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख लिया इसने, ये देखो फ्रैंकलिन, इसका कुछ लेना देना नहीं, जब से पावर आई है ना इसका भाई दिमाग हो गया खराब, ये तो लगा रहता अपना सिगरेट पी, तू तो सिगरेट ही पिएगा। माइकल मेरे भाई गुस्से की कोई बात नहीं है, आज से गॉडफादर हमारी टीम में ही काम करेंगे, ये अभी सुधर चुके हैं, बोल रहे कि हमारा पूरा साथ देंगे, हमारे साथ ही रहा करेंगे और बंदों की कमर तोड़ा करेंगे, मेरे साथ सही रहेगा, टेरी टेंशन न ले, गॉडफादर अच्छा बंदा बन चुका है जैसा मेरे को लगता है, काश यार ये बन जाए मजा आ जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाने वाली है। तो गॉडफादर जी आपको मैंने सभी से मिला दिया है, ये हमारी टीम है, माइकल टेरी मैरी, वो पीछे जो नीला बंदा है ना वो फ्रैंकलिन है, वो बदल चुका है, बस मैं क्या बताऊँ, लंबी कहानी है, और पीछे निकी
आप तो उसको जानती होगे पहले से ही, ये सारी हमारी टीम है भाई। गॉडफादर ने मेरे को साइड में ले जाकर के एक बात बोली है। गॉडफादर मुझसे बोल रहा है कि ट्रेवर भाई मेरे को एक बंदा बहुत परेशान करता है, प्लीज यार आप उसको जाकर के समझा दो। उस बंदे का नाम है फैब, वो बंदा हमेशा मुझे मारने की कोशिश किया करता है, अगर आप उसको जाकर के समझा दोगे तो मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आराम से चैन से रह सकता हूँ और आपके साथ काम कर सकता हूँ। प्लीज आप उसको जाकर के समझा दो, नहीं तो बार बार मुझे मारने की कोशिश करता रहेगा और मैं अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। बात इसकी भी ठीक है मेरे प्यारे भाई गॉडफादर, आप पार्टी एंजॉय करो, फैब का पता मेरे को दो, फैब को तो मैं सीधा करके आता हूँ। ठीक है भाई, मैं फैब के छोटे से अड्डे पर पहुंच चुका हूँ। हमारा प्यारा फैब, वाह भाई वाह, मिलिट्री वाला बंदों के बीच में रहता है फैब, ये कोई मिलिट्री वाला बंदा आएगा अभी पता चल जाएगा कौन है बंदा। अभी चाचा तो सारे के सारे पार्टी मनाने में लगे हुए हैं, इससे पूछता हूँ चाचा फैब कहाँ पर मिलेगा आपका बॉस? भाई चाचा बोल रहा है कि इसका बॉस नीचे की तरफ है। ओके वहाँ पे पूछता हूँ, अरे भाई सारे के सारे बंदे सुट्टे मारने में लगे हुए हैं बेटे, बहुत हानिकारक चीज है, अभी पता चलेगा तुम्हें कितनी हानिकारक है, तुम पीने में लगे रहोगे मगर तुम्हें इतना पीटूंगा बहुत ज्यादा। भाई ये सारे बंदे एक ही टाइप के हैं इस बंदे को छोड़ करके, ये बंदा ब्लैक ड्रेस में है, बाकी सब मिलिट्री वाले, शायद इसके सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, अभी पता करता हूँ। हेलो मेरे प्यारे भाई, आपका नाम फैब है क्या? फैब भाई यही बंदा फैब है, चलो इसको सारी बातें समझा देता हूँ। देखो मेरे प्यारे भाई फैब, मैं आया हूँ हमारे प्यारे गॉडफादर की तरफ से। गॉडफादर जी अब मेरी टीम में है, वो सुधर चुके हैं और अब मेरे लिए काम करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर ये बोलने के लिए आया हूँ कि हमारे प्यारे गॉडफादर पर बिल्कुल भी हमला नहीं होना चाहिए। अगर आपने फिर से अपने बंदों को उन्हें मारने के लिए भेजा तो मैं सीधा कर दूंगा। आपको पता ही है मेरे पे कितने हथियार है, मेरा नाम तो सुना ही होगा ना प्यारे फैब, दो मिनट में सीधा कर दूंगा। अरे चाचा बीड़ी पीने में लग रहा है, हम बात समझा रहे हैं, इसको नीचे रख। भाई चेलो ने मेरे ऊपर गोली चला दी, जैसे मैंने बॉस को बैठाया नीचे सारे के सारे बंदों ने मेरे ऊपर गोली चलाना शुरू कर दी। अरे आंटी आप भाग रही थी, सॉरी आपको गोली लग गई, अब क्या करे, हमारे दुश्मन को ज्यादा ही है, खत्म करने में टाइम लगेगा। ये ले बेटे पड़ा पड़ा गोली मत मार, कवर मत ले, सीधा कर दूंगा। ये ले मेरे प्यारे भाई, ये ले चाचा तू भी ले, ये ले बेटे आजा बाहर, कैसी लगी, आया मजा? ओके भाई लगभग सारे बंदे मर गए, ऊपर वालों को देखो, अबे पियो बीड़ी पियो 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 बीड़ी पी के ही मजा आएगा तुम्हें तो, और कोई हो भाई घर के अंदर चुप के बैठे थे, अब भी करूंगा तुम्हें भी सीधा। यहाँ पे अड्डा बना के बैठे हो, इस फैब की तो मैं कमर तोड़ दूंगा, इसको तो बना दूंगा मैं नेता एक मिनट में। आज आ जा ऊपर से आ जा, और एक बंदे को देखो गोल्फ स्टिक आया लेकर के मुझे मारने के लिए, इसको मैं नहीं मारूंगा। अरे भाई तो सारे नीचे गिर गए, अबे जा। अच्छा ये रहा देखो भाई, वो बंदा जो गोल्फ स्टिक से मुझे मारना चाहता है, अरे ले ले, अरे तो दूर है यार, इतना टाइम नहीं है चलने के लिए यहाँ से, ले बैठे तू भी ले, हो गए सब खत्म। चलो भाई फैब की टीम को मैंने सुला दिया है, अब इस फैब से ही बात कर लेता हूँ, इसको बताता हूँ कि भाई जल्दी बोल, बात समझ में आई या तेरे बंदों के साथ साथ तेरा भी एंड कर दूं, अगर मानता हूँ तो ठीक है, नहीं तो भाई इसको भी यहीं पे ठोक के निकलता हूँ, जल्दी बोल मेरे भाई, हाँ या ना, मानेगा या पिटेगा? भाई फैब बोल रहा है कि ट्रेवर भाई मैं तो मान ही गया था, मेरे बेवकूफ बंदे पता नहीं इन्होंने गोली क्यों चलाई, फ्री में मर गए। अरे यार ये तो एकदम से मान गया था बेचारा। ठीक है भाई, ये हमारा गॉडफादर का एक लौता दुश्मन बच रहा था जो बार बार उनके ऊपर हमला करवा रहा था, इसको भी मैंने समझा दिया, अभी गॉडफादर बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे से हम उनसे काम लेंगे और पूछूंगा कि कौन कौन बंदे और भी है जिनके पास ज्यादा पैसा है। गॉडफादर सभी बंदों के बारे में जानता है, बहुत कॉन्टैक्ट्स उसके, वो आपको पता ही है। अभी हमारे पास आ चुके हैं मिस्टर कट्टा, लेस्टर ने बोला कि मिस्टर कट्टा बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहे थे, इसको लेकर के जाओ, कहीं पे मीटिंग होने वाली है किसी खास चीज की, तो वहां पे जाकर के मिस्टर कट्टा बात करेंगे और तुम देखना कुछ हमला तो नहीं हुआ, अगर वहां पे कुछ गलत काम हुआ तो तुम संभाल लेना, मिस्टर कट्टा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। भाई मैं कट्टा को जगह पे लेकर के आ चुका हूँ, कट्टा मेरा भाई, ओ भाई यहाँ पे तो बहुत सारी कार है, अबे भाई कार खरीदने के लिए आया है क्या, कमाल है भाई, गाड़ी वैसे बहुत ही सारी है, देखो देखिए आप हर एक टाइप की कार से, यहाँ पे लगता है किसी चीज का ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन में आएगा कट्टे गाड़ी लेने के लिए, मेरे को पूरी बात बता पहले तू, यहाँ पे करने क्या आया, जल्दी बोल। भाई कट्टे ने मेरी पूरी बात बता दी, सामने जो चाचा खड़ा है इससे हमने एक डील करने के लिए आए हैं, पीछे आपको कार दिख रही है, उस कार की डील करने के लिए आए हम, मतलब कार तो सिर्फ एक बहाना है, इस कार की डिग्गी में कुछ काम की चीजें रखी हुई है, हमें वो लेनी है, और ये पूरा ऑक्शन उन चीजों के लिए ही रखा गया है ताकि पुलिस को शक ना हो, क्योंकि उसमें जो चीज है ना वो बहुत ही खतरनाक है, अगर किसी को शक हो गया तो भाई गड़बड़ हो जाने वाली है, इसीलिए बंदों ने ऑक्शन रखा ताकि यहाँ पे कोई भी ना आए और किसी को शक ना हो, और हम आराम से गाड़ी को खरीदेंगे और गाड़ी के साथ साथ हमें सारा सामान भी मिल जाएगा गाड़ी के डिक्की में। तो ठीक है चाचा जी, कर ले मेरे भाई बात, कर ले फिर गाड़ी लेकर के चलते हैं। भाई चाचा से बात कर लिए कि हम ही है वो बंदे जो गाड़ी को ले जाने के लिए आए, पैसे वैसे तो कुछ देने है ही नहीं भाई, क्योंकि गाड़ी की डील तो हो ही नहीं रही, सामान की डील हो रही है। मैंने लेस्टर के बंदों को पहले ही फोन कर दिया कि मेरी BMW यहाँ से ले जाएंगे, अभी इस गाड़ी में आके रह गया मेरे कट्टे, प्लीज तू तो मेरे को बता दे, लेस्टर तो मेरे को कुछ बताता ही नहीं है, इतने प्यार से अंदर अंदर काम करता रहता है, दो दिन में तो उसने मेरे को एक बंदे का नाम बताया TC, जिस बंदे को ढूंढ रहा है, अभी गाड़ी में क्या है मेरे भाई तू तो बता। भाई मेरे को कट्टा बोल रहा है कि बहुत ही खास चीज है TC के बारे में है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। बेटे तू भी लेस्टर बनने की कोशिश कर रहा है क्या, सीधा कर दूंगा तेरे को मैं। भाई मिस्टर कट्टा कार लेकर के चले गए, लेस्टर के पीछे फोन आ गया था,
फैक्ट्री में, कार नहीं जाएगी कहीं और ही जाएगी, फिलहाल मेरे को इन्होंने बताया नहीं है, मेरे को उतारा और चला गया, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। फिलहाल अभी भाई मेरे पास चोर का भी फोन आ चुका है, चोर बोल रहा है ट्रेवर भाई आ जाइए आपके लिए मैं कार लेकर के आयो एयरपोर्ट में, तो चला एयरपोर्ट पे चलते हैं। तो भाई अभी तो कोई रोड से ही कार उठानी पड़ेगी, उसको पकड़ के ही चलता हुआ एयरपोर्ट पे। अरे चाचा बाहर उतर, मेरे को गाड़ी चाहिए, ले जाइए बाद में भाई, हम कुछ नहीं करने वाले तेरी कार का, कार ले जाइए आकर, तू एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे आ जा ले जाइए गाड़ी। भाई मैं एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ, गाड़ी तो बढ़िया लग रही है भाई, देखते कितनी भागने वाली है। मेरे प्यारे चोर आज गाड़ी दिखने में तो बहुत बढ़िया है बट भागने में तो बहुत घटिया है यार, कितनी अजीब अजीब कार लेकर क्या आ रहा है, 3 दिन से इतनी घटिया कार ला रहा है, 200 भी नहीं पकड़ रही, 170 80, ज्यादा ज्यादा भागती है तो 190 बस, इससे ऊपर नहीं जाती भाई, ये 150 भी नहीं जाने वाली। मैंने पूरी स्पीड दे के रखी थी और एयरपोर्ट पूरा खत्म हो गया, 150 भी नहीं जाने वाली, मुश्किल जाएगी। चलो देखता हूँ एक बार भाई रोड पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कितनी भागी। भाई मैं हाईवे पर आ चुका हूँ, ये गाड़ी भाई बिल्कुल खत्म है, इसमें नहीं है कुछ भी दम, इसको तो बहुत ही ज्यादा अपग्रेड की जरूरत है, आप लोग देख ही रहे होंगे 120 भी नहीं पकड़ी इसने भाई अभी तक, वाह अब पकड़ी है 120 की स्पीड। चल मेरी प्यारी फटी हुई कार कितना भागने वाली है, 130 बहुत है इसके लिए, तो 140 ही भाई, और 140 ही बस ये जाने वाली है आखिरी, देखो 141 पे आकर के दम तोड़ दिया इसने आखिरी में, इसकी स्पीड भाई कुल 140 तक ही है, देखो वो भी घट के कम हो गई। तो अब इसका इंटीरियर चेक कर लेते हैं भाई, गाड़ी की स्पीड में दम नहीं है, इंटीरियर अच्छा है, इंटीरियर गाड़ी का अच्छा है, और अच्छी बात क्या है 4 सीटर कार है तो ये बहुत अच्छी चीज मेरे को लगी है, बट यार स्पीड कम से कम 200 होनी चाहिए थी, कुल 140 बहुत कम स्पीड है, चलो इसको अपग्रेड करा लेंगे। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोगों तरफ को ये वीडियो कैसी लगी, हमारे प्यारे गॉडफादर आपको कैसे लगे तो बताओ, गॉडफादर को टीम में मैंने अभी ले लिया है, टीम में लेके सही करा या गलत करा, वैसे बंदा सही है मेरे को लगता है काम बहुत आ सकता है, अगर वैसे उसने कभी धोखा देने की कोशिश करी तो मार देंगे यार, हमें क्या टेंशन है, डेविल इतनी बड़ी तोप तक 2 मिनट में मार दिया, गॉडफादर है ही क्या। अगर आप चैनल पे नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उस कॉल पर सेट कर दो, अगर अब तक आपने मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया जाकर उसको चेकआउट कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं पूरी जीटी की वीडियो डालता हूं और इसका नेक्स्ट पार्ट कल सुबह 11 बजे उसी पर आने वाला है, तो उसको जाकर के चेकआउट कर लो। भाई अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं किया उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।